स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से रोचक बातों में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केव ऑफ हॉरर्स के बारे में। जी हाँ, यानी कि मौत की गुफा, डर की गुफा। यह एक बहुत रहस्यमयी और दिलचस्प जगह है और इसके बारे में आज हम आपको काफ़ी जानकारी देने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल रोचक बातों पर आए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। यह मौत की गुफा इसराइल में है और इसके पास डेड सी यानी मृत सागर भी है। डेड सी का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज ये गुफा फिर से काफ़ी चर्चा में है और उसकी वजह है कि यहाँ पे मिला है एक 6000 साल पुराना कंकाल। इसराइल में इस हिस्टोरिकल गुफा में यह 6000 साल पुराना कंकाल मिला है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मौत की ये गुफा इसराइल के जुदेआन रेगिस्तान में मृत सागर से सटी हुई है। कुछ वर्ष पहले इसी गुफा से 40 नर कंकाल मिले थे और इन्हीं कंकालों के चलते इस गुफा का नाम मौत का गुफा या फिर केव ऑफ हॉरर्स रख दिया गया। अगर बात करें इस 6000 साल पुराने कंकाल की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कंकाल एक लड़की का है जिसकी उम्र 12 से 15 साल के बीच में है। शोधकर्ताओं को यह कंकाल गुफा के एक सूखे हिस्से में मिला है और यह प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरल वे में एक मम्मी में तब्दील हो चुका है। कंकाल के ढांचे का सीटी स्कैन करने से पता चला कि यह कंकाल किसी 6 से 15 साल के बीच की लड़की का है। कमाल की बात तो यह है दोस्तों कि 6000 साल पुराना होने के बाद भी इसके ऊपर इसकी खाल और बाल अच्छी मात्रा में बचे हुए हैं। यह कंकाल गुफा के जिस हिस्से में था वहां तक विशेषज्ञों को पहुंचने के लिए रस्सी का उपयोग करना पड़ा। इसराइल के जाने माने इतिहासकार रोनी प्लुपू का कहना है कि जिसने भी इस बच्ची को दफन किया था उसने इसके शरीर को कपड़े में लपेट दिया था और इस कंकाल को कपड़े में वैसे ही लपेटा गया है जैसे माँ बाप अपने छोटे बच्चे को किसी कंबल में लपेटते हैं और इसी के साथ कपड़े के किनारे को हाथों पे बांधा भी गया है। इसी के साथ इस कंकाल के पास से एक सूची पत्र भी मिला है। इस पत्र पर हिब्रू भाषा के प्राचीन अक्षर मिले हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि इसी गुफा में 2000 साल पुराने सूची पत्र भी मिले थे जिनमें बाइबल का उल्लेख किया गया था। इनमें भी हिब्रू भाषा का ही इस्तेमाल किया गया था और इनमें रोम के खिलाफ यहूदियों के विद्रोह का अनुवाद मिलता है। मृत सागर यानी डेड सी के इसी इलाके से दुनिया की सबसे पुरानी टोकरी भी प्राप्त हुई थी जो कि करीब 10000 साल पुरानी थी और इसी के साथ यहाँ पे नोक और सिक्के भी मिले थे। नोक से हमारा मतलब तीर के नोक की बात है और अब 6000 साल पुराना कंकाल मिलने से यह गुफा फिर से विवादों में है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह केव ऑफ हॉरर्स या फिर कह लें मौत की गुफा पे बनाई गई वीडियो और इसमें दी गई रोचक जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। यदि आपको यह वीडियो इसमें दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी हों तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक बातों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस विषय पर टॉप वीडियोज़ देखना चाहते हैं। हम वही वीडियोज़ आपके लिए बना के लाएंगे। अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।